ये ना आपको पता ही है ना कि चिकन है, मैंने रेशा रेशा कर लिया था, तो वो क्या कहते हैं इसके साथ शिमला मिर्च, बंद गोभी और मैं खुला डाल रही हूँ, ये देखिए। मतलब वैसे भी आप लोग उसको खा सकते हैं। ये अब मैं चीज आपने ज्यादा डाला, मेरे वाले में तो बहुत ज्यादा चीज। ये देखिए बस, यम्मी। ये देखा, मेरा तो ये होता है प्लान कि जो हम लोग पिज्जा भी ऑर्डर करते हैं ना, उसके ऊपर भी मतलब एक्स्ट्रा टॉपिंग तो करवाई जाती है। लो मैं और डाल देती, बस खुश हो जाओ। हाँ। तो मेरा ये होता है कि घर में भी जब वो आए तब भी मैं उसके ऊपर चीज डालकर फिर उसको माइक्रोवेव। चिकन भी ज्यादा माशाल्लाह। हाँ उसमें रख के, हाँ सैंडविच मेकर, टोस्टर, सैंडविच मेकर। नाज़नीन, उधर सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल के फिर नाज़नीन सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, तो आप सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली जल्दी से हमारे चैनल के फिर नाज़नीन के साथ जुड़ जाएं और बेल पर प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको टाइम भी जोड़ते हैं वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो व्यूवर्स, सबसे अपनी आज की रेसिपी की तरफ, तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चिकन चीज़ पराठा। और चिकन चीज़ पराठा बनाने के लिए पहले आपको करना पड़ेगा चिकन को रेडी, और यहाँ पर वही चिकन को कर रहे हैं मम्मा तैयार। और ये चिकन कैसे तैयार किया जाएगा, इसकी रेसिपी क्या होगी, ये चलते हैं मम्मा की तरफ और मम्मा से जानते हैं। जी मम्मा। ये मेरे लहसुन डाल दिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ना मैंने ना थोड़ा सा प्याज डाल के, लहसुन डाल दिया, इसे मैं भूनती हूँ और साथ टमाटर डालती हूँ। और फ्रीज़र का था ये गोश्त, धुलावा था, तो मैंने ना अभी नरम नहीं हुआ था, रात में से मैंने निकाल के रखा था, ये देखे ना फूल रहा है, फूल जाए। हाँ जी, तकरीबन बोल हम लोगों ने चिकन दिया है तकरीबन हाफ के जी से ज़्यादा ही, हाफ के जी, हाफ के जी का आइडिया हम दे रहे हैं आपको। हाफ के जी चिकन ले लें, जैसे जैसे का तेज डाला छोटे साइज का हम लोगों से होता है, प्याज डाला है, और उसके बाद हम लोग सब जैसे वो टमाटर वगैरह शामिल करेंगे, और घी भी डाला ना आपने। हाँ जी, कुकिंग ऑयल भी शामिल किया है, तो तकरीबन वो भी हम लोगों ने बहुत कम, क्योंकि आपको पता है चिकन के हम लोगों ने करने हैं पराठे तैयार, तो एज यूजुअल हम लोग बहुत ज़्यादा धोइयाँ भर भर के तो चिकन के अंदर घी के नहीं डालेंगे, तो कम मिकदार में डालेंगे, लेकिन इतना डालेंगे जो चिकन है वो पक जाए। तो अब मम्मा टमाटर भी शामिल कर रही है इसके अंदर। चिकन भी हो गया है, अब ना इसे भूनते हैं थोड़ी देर। मसाले भी मैं डालती हूँ आपके सामने। अच्छा, अभी डाल देने हम लोगों ने स्पाइसेस भी। हाँ जी, ये साथ ही भुना जाएगा ना, मसाले भी भुने जाएंगे। पौना चम्मच नमक का, क्योंकि इसका फिर रेशा रेशा करना है ना। ठीक है, फिर हाफ टेबल स्पून हम लोगों ने अदरक मिर्च पाउडर वो शामिल किया है, बंद गोभी भी डालेंगे इसमें, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मैंने डाला, ये देखिए साथ खुल भी गया और भुना भी जाएगा, मसाले भी मैंने डाल दिए साथ।
फिर बाद में फिर भून लेंगे ना इसे। अब क्या पानी डालें पकने रखने इसको? हाँ जी, पानी डाल के पकने रखेंगे गलने के लिए। टमाटर भी मैंने डाल दिए साथ ही। तो खुशबू भी उनका मसाला भुनने की वाना शुरू हो गई है। तो अब हम लोग इसे डाल लेंगे पानी और फिर इसे पकने के लिए रख देंगे। इसके बाद अभी पक जाएगा, तो ठंडा करने के बाद इसको हम लोग रेशा रेशा कर लीजिएगा। हमारी आज की रेसिपी है चिकन चीज़ पराठा। तो चिकन भी लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इतना पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। बस अब ढक के रख रही है इसको। हाँ जी, ये पकने लग जाएगा, फिर ना भूनेंगे इसे रेशा रेशा करके। ठीक है, तो उसको कवर कर देते हैं आपके सामने हम लोग, और फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे ना बनते हैं ये परौठे, वो मजे के। तो मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों को अच्छा जी ये पकने लगते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि चिकन को हम लोगों ने रेशा रेशा कर लिया, क्योंकि आज की हमारी रेसिपी है चिकन चीज़ पराठा। और चिकन को हम लोग पहले तैयार कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग चीज़ फिलिंग के साथ इस पराठे को बनाएंगे। तो मम्मा से पूछते हैं कि मम्मा, इसको हमने रेशा रेशा तो कर लिया, फर्दर अब हम लोगों ने किस तरह क्या चीज़ शामिल करनी है इसके अंदर? हाँ जी, मैंने पहले लहसुन, आपको तो पता ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भूना था इसे अच्छी तरह। अब ये ना मैंने ये सब्जियाँ, क्योंकि घी नहीं इसमें ज़्यादा डालना, ये बंद गोभी, शिमला मिर्च एक मैंने डाली है। ठीक है, मतलब दो तरह की हमने सब्जियाँ इस्तेमाल की हैं चिकन के साथ। हम लोग शिमला मिर्च और बंद गोभी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चिकन हम लोगों ने तैयार कर लिया, तो इसको अब हम लोग दम, मतलब पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि सब्ज़ियाँ कच्ची हैं। हाँ जी, ये थोड़े से नरम हो जाए ना ये, तो फिर बस इसके पराठे बना लेते हैं। ठंडा करके फिर हम लोग इसकी फिलिंग करेंगे। बस कुछ और चीज़ तो नहीं ऐड करनी, कुछ स्पाइस वगैरह नहीं हमने शामिल करना। हाँ जी, नमक मिर्च तो मुझे तो सही लगी है, फिर चेक कर लेंगे बाद में, अपनी मर्ज़ी से आप चेक कर लेंगे। अगर तेज़ रखनी है, कई लोग तेज़ खाते हैं। माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो स्पाइस आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप लोगों ने ज़्यादा, तो ये देख लें, हमने आपको दे दिया है आइडिया। और अब इसको थोड़ी देर पकाने के बाद हम लोग इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, और उसके बाद फिर इसकी फिलिंग करके पराठे जो से वो आप लोगों के सामने ही हम लोग तैयार करते हैं। जी, तो व्यूवर्स ये देखें, माशाल्लाह कलर कितना ज़बरदस्त इसका आ गया है, और खुशबू भी बहुत उम्दा, बहुत लजीज आ रही है। तो बस इसके अंदर थोड़ा सा सब्जियों का जो सा पानी था वो उसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। ये तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं कि जो सा चिकन हम लोगों ठंडा होने के लिए रख दिया था, ठंडा हो चुका है। और यहाँ पर चीज़, और क्योंकि हम लोगों ने चिकन चीज़ पराठा तैयार करना है, तो चीज़ भी हम लोगों ने यहाँ पे हमने दो तरह की चीज़ ली है, मोज़रेला चीज़ भी लिया है, चैटर चीज़ भी लिया है, उसको हमने अच्छे से मतलब क्रश कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो आप इसकी करते हैं फिलिंग, और जो पराठे हैं चिकन चीज़ वाले उनको करते हैं तैयार, और आपको दिखाते हैं। जी मम्मा, आप शुरू करें। हाँ जी बेटा, ये मैं ना, ये तो आपको पता ही है ना कि चिकन है, मैंने रेशा रेशा कर लिया था, तो वो क्या कहते हैं इसके साथ शिमला मिर्च, बंद गोभी, और मैं खुला डाल रही हूँ, ये देखिए आप। माशाल्लाह, मैंने ये चिकन टेस्ट किया, इतना मज़ेदार है ना बना हुआ, मतलब वैसे भी आप लोग उसको खा सकते हैं। ये अब मैं ज्यादा, आपने ज्यादा डाला, मेरे वाले में तो बहुत ज्यादा चीज डाल। अच्छा बेटा, और डाल देते हैं ये देखे, ये देखे, बस ये देखा। मेरा तो ये होता है प्लान कि जब हम लोग पिज्जा भी ऑर्डर करते हैं ना, उसके ऊपर भी मतलब एक्स्ट्रा टॉपिंग तो करवाई जाती है। लो, मैं और डाल देती, बस खुश हो जाओ। हाँ, तो मेरा ये होता है कि घर में भी जब वो आए तब भी मैं उसके ऊपर चीज डालकर फिर उसको माइक्रोवेव में गर्म करके फिर दोबारा मैं खाऊं, इतना मतलब मुझे चीज पसंद है। माशाल्लाह, वो काफी सारा डाला ना, तो मैंने कहा ये फिर मेल्ट होके तो अच्छा लगेगा ना। अगर थोड़ा सा डालेंगे तो फिर तो वो मतलब जो हम चाहते हैं उसमें बनेगा भी नहीं। मिक्सचर भी ज्यादा डाला ना मैंने, चिकन भी ज्यादा ना, माशाल्लाह बहुत टेस्टी है मिक्सचर ये बनाया। तो मैंने वो पूछा था आपको, ये हम प्रिजर्व कर सकते हैं चिकन बना के, मतलब फ्रीजर में रख सकते हैं? हाँ, बच्चों को स्कूल देने से, मियाँ जी को अगर रोटी दुकान पे जाती है, कभी दिल करा है वैसे भी, तो उसको या मतलब अगर हम लोग मतलब टोस्टर, उसमें टोस्टर कह रही हूँ मैं, जो सैंडविच मेकर है,
अगर हम उसको स्लाइस में फिलिंग करके, हाँ वो भी बहुत चीज स्लाइस के साथ, जैसे हमारा ऊपर टोस्टर नहीं पड़ा, हाँ उसमें रख के, हाँ सैंडविच मेकर, टोस्टर हाँ, सैंडविच मेकर, हाँ उसमें। तो ये देखो इधर मैंने डाल दिया। चलते हैं चूल्हे की तरफ। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि अभी हम लोग मतलब मैं और मम्मा बात कर रहे थे कि ये मतलब ये तो हम लोग चलो ठीक है पराठे आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं इसकी रेसिपी, लेकिन आप लोग इसी कीमे को बनाकर दूसरी तरह मतलब एक और डिश तैयार कर सकते हैं, एक और मतलब स्नैक रेडी कर सकते हैं। मतलब आप लोग चिकन के जोन से है उसको फिल करें स्लाइस के अंदर, मतलब डब रोटी के अंदर, और आप लोगों ने जैसे कि हम लोग चैटर चीज़ और मोज़ेला चीज़ यूज़ की, हम लोगों ने रोटी बनाई है, तो आप लोगों ने अगर स्लाइस रख के मतलब उसके ब्रेड के बनाने हैं ना सैंडविच, तो आप फिर इसके अंदर ये वाला चीज़ ना यूज़ करें, तो आप लोगों का जो स्लाइस चीज़ है ना वो यूज़ करें। वो वाला आप यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा मतलब बेहतर रहेगा। तो एक ही चीज़ से आप मतलब दो तरह की जो से स्नैक और रेसिपीज हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो ये भी आपको एक आइडिया हम लोगों ने दिया है कि चिकन को आप उस तरह भी यूटिलाइज कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बनी है। ये नहीं कि मैंने पकाई है, इसलिए तारीफ की है। माशाल्लाह खुशबू बहुत ज़बरदस्त, बहुत उम्दा आ रही है, और चीज़ की भी जो से वो भी अच्छे से मेल्ट हो गया होगा इसके अंदर, वो भी हम कट करके आपको दिखाएंगे तो आपको देखने में इतना अच्छा लगेगा। तो इंशाल्लाह जब आप लोग बनाकर इसको ट्राई करेंगे तो फिर मज़ा आ जाएगा। हाँ माशाल्लाह देखिए, अब आप दिखाएं हैं, ठीक है जी, फिर आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब हम लोगों ने इसको कर लिया है डिश आउट, और आप देखें माशाल्लाह कितना प्यारा जो सा हमारा चीज़ चिकन पराठा है वो तैयार हो गया है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि मतलब कैसे ये चीज़ी सा। अच्छा जी, तो अब मैं इसको ज़रा खोल के भी दिखा देती हूँ, ये खुल नहीं रहा क्योंकि चीज़ की वजह से हो गया है ये बंद। ये देखें कितना मतलब मेल्ट हुआ हुआ चीज़ है, ये देखें जी ये चीज़, ये देखें आप लोग देख सकते हैं कि चीज़ जोन सा है वो हो गया है मेल्ट। अच्छा जी, तो मैं अब आपको ना ये जो सा चीज़ी सा पराठा है ये खाकर भी टेस्ट करके भी बता देती हूँ कि ये कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी ये चीज़ पराठा है, और ऐसा ना हो तो हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत उम्दा, चीज़ का फ्लेवर भी आ रहा है और चिकन का भी आ रहा है। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है, हम अपने फीडबैक देनी है। तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआगू हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।